नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली सभी परीक्षाओं में ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज पाने के लिए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों को आप खुद से पढ़िए और इनके उत्तर को बताइए। तो निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना ऑप्शन डी, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है सही नहीं है, तो चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, जबकि यहाँ पे इसका निराला की तुलसीदास कविता में सांस्कृतिक चेतना का चिंतन अधिक है, ना कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। तो कथा विस्तार अधिक नहीं है, सांस्कृतिक चेतना का चिंतन अधिक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। मैं ऑप्शनों को नहीं पढ़ूंगी जो विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प को आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लगी विकल्प को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालग्य है। कमायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह कथन यह विचार किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है, मुक्ति बोध का है, जयशंकर प्रसाद का है या आगे का है? तो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? मुकटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या महादेवी वर्मा ने? तो छायावाद की यह परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर आ गया इसका साथ में, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प बी। विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो इनके जो यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए किस गतिविधा से है, साथ ही इसका सन क्या है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अनुक्रम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आरपीएससी के प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? इसमें चार पांच रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से दिनकर की रचना कौन सी है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उर्वशी, सामधेनी और रसवंती, ये दिनकर की रचनाएं हैं। और बाकी जो रचना दी गई है वो किसकी है? जय भारत और यहाँ पे रश्मि रेखा, ये किसकी है ये भी पता होना चाहिए, तो मैंने लगा दिया है उर्वशी, सामधेनी, रसवंती दिनकर की रचनाएं हैं, जबकि जय भारत मैथिली शरण गुप्त की है और रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से इसके उत्तर लग गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज पता नहीं क्या पीपीटी को हो गया है कि अपने आप ही आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। तो विदेही वनवास किसकी है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। पथिक किसकी है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी की। द्वापर किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। राष्ट्रीय वीणा है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, इनको आप खुद से पढ़िए वीडियो को पॉज करके और इनके उत्तर लगाइए।
तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर नहीं है वो है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, ना कि गांधीवादी अहिंसा का समर्थन है। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है कुरुक्षेत्र में, ना कि गांधीवादी अहिंसा का समर्थन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे करें इससे पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहां पे भी मैं प्रश्न उपलब्ध करवाती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो चलिए ये प्रश्न आपके सामने है स्थापना और तर्क से, जिसमें स्थापना है प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क है इसका वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना उसका इसका उद्देश्य था। तो इसमें सही उत्तर क्या है वो बताना है आपने। तो दोनों ही कथन तर्क और स्थापना सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें भी चार विकल्प दिए हैं, इसमें से छांट के आपने बताना है। इन ऑप्शनों को आप खुद से पढ़िए वीडियो को पॉज करके। तो सही उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो है अपना विकल्प सी, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। ये सही नहीं है, क्योंकि वर्गशील को प्रगतिशील महत्वपूर्ण मानता है और उसका भरपूर प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो वर्गशील को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक नहीं बताया है, महत्वपूर्ण माना है और उसका भरपूर प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, कथन गलत ही हमें छांटना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चार विकल्प दिए हैं, चारों में जो सही नहीं है वो है अपना ऑप्शन बी, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित करती हैं। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अज्ञेय की बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित करती है। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही बताना था मैं, सही नहीं जो है विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। प्रतिदिन 5 प्रश्नों की सीरीज करा रही हूँ, लेकिन मैं 1 वीक से 10-10 प्रश्न करवा रही हूँ और इसको कंटिन्यू आगे रखूंगी, 10 से आगे ही रखूंगी। तो कैसे लगे आज के प्रश्न कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और फीडबैक अपनी दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। अगर आप इस अपनी फीडबैक नहीं देंगे कमेंट सेशन में कमेंट करके, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी ये सीरीज आपको पसंद आती है? और बहुत व्यूज भी कम आते, लाइक्स भी नहीं आते। तो अगर इसी तरह आप रहा तो मैं ये सीरीज बहुत जल्द बंद कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखूं तो आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।